वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एलोवेरा को एज आ रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक हर एक प्लांट के कटिंग को एलोवेरा के साथ ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए जैसे ये मेरे पास एक कटर है और ये मेरे पास एक प्लांट की कटिंग है, तो ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो जैसे कि ये मेरे पास हिबिस्कस प्लांट्स की कटिंग है और एक डिस्पोजल ग्लास में गार्डन सॉइल और ये एक एलोवेरा की कटिंग है, तो इसे हम एज अ रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी कटिंग को तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमें कटिंग के नोड एरिया के नीचे से एक 45 एंगल का एक कट लगाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक नोड एरिया है, तो इस नोड एरिया के नीचे से 45 एंगल का कट लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार का आपको कट लगा लेना है। और उसके बाद हमें इस कट के ऊपर से चाकू की मदद से स्क्रैच कर देना है इसी प्रकार, मतलब जो कैम्बियम का लेयर होता है उसे स्क्रैच कर देना है ताकि इसमें से अच्छी तरह से रूट्स की ग्रोथ हो सके। तो इसी प्रकार कैम्बियम लेयर को स्क्रैच कर देना है और उसके बाद जो हमने एलोवेरा की कटिंग को लिया है, आप चाहें तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो उसी प्रकार आप कटिंग के, मतलब जो एलोवेरा का कटिंग है उसमें प्लांट की कटिंग को कुछ इस प्रकार रख देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार। तो इसे लगभग आधे घंटे के लिए इसी प्रकार छोड़ देना है। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम जो हमने कटिंग वो अपने एलोवेरा प्लांट में लगाई थी तो उसको हमने इस डिस्पोजल ग्लास में लगाना है। तो ये हम इसलिए एलोवेरा में रखते हैं ताकि जो एलोवेरा का लिक्विड है वो अच्छी तरह से कटिंग पे समा जाए, मतलब ईजली जो रूट्स की ग्रोथ वो ईजली हो सके, इसलिए हम आधे घंटे के लिए इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब हम इस कटिंग को इस डिस्पोजल ग्लास में लगा देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो लगभग 1.5 इंच तक कटिंग को डिस्पोजल ग्लास में लगा देना है। तो ये एक बहुत ही बेहतर सोर्स है अपनी कटिंग को एलोवेरा के साथ ग्रो करने के लिए। और उसके बाद हमें हल्के हाथों से उसके चारों तरफ कटिंग के सॉइल से दबा देना है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डिस्पोजल ग्लास की जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। और इस कटिंग को लगभग 10-15 दिन के लिए छोड़ देंगे। दस पंद्रह दिन के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमने कटिंग एलोवेरा की मदद से लगाई थी तो उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर सोर्स है एलोवेरा से कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो ये उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने घर में भी किसी भी कटिंग को एलोवेरा की मदद से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन होता है। धन्यवाद।